स्कूटर को स्टार्ट कर लिया, पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे। महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये तो बता दे कि कब देगा, मैं मर जाऊंगा तब देगा। लगता है कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे। और नमस्ते सनी गोयल जी महाराज। आगे आगे जर्मन। आजा 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 महाराज, प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आजा बैठ जा। महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है बाबा। महाराज गले बाद में लगना, पहले मेरा कर्जा वापस कर दो। दे दूंगा ना बाबा, जल्दी क्या, सबर करो ना बाबा। महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा, मैं वहां पहुंचा दूंगा ना बाबा। महाराज मजाक मत करो, देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं है, मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं। हो कट में थोड़ी ने दिया आपने बाबा, सलीम से 2% इंटरेस्ट पे लेके मुझे 5% इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा। उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट से आपको क्या इंटरेस्ट, आप तो मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो बस। अच्छा ठीक है, कितने देने हैं बाबा? महाराज असल में 1,00,000, इंटरेस्ट के 50,000, कुल मिला के हो गए 1,50,000 हो गए ना बाबा। है ना। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा? महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे, आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है। तो बाबा उन लोगों के लिए जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा? महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था। कुत्ता तक नहीं था। कौन है तू? महाराज किससे बात कर रहे हो? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ, कौन है तू? देखो मेरा कर्जा वापस कर दो। नहीं अबे कर्जा मांग रहा है साले, जानता है तू किससे बात है? पुलिस को बुलाता हूँ। छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए है? अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा? हाँ महाराज, इज्जत से आहिस्ता से, सबके सामने नहीं कान में बाबा। आइए मैडम। व्हाट इज दिस, हमारी शान में गुस्ताखी करो। गुस्ताखी क्या मतलब? गुस्ताखी नहीं समझता बदतमीज। अरे मैडम की भाषा में गुस्ताखी का मतलब है नमस्ते, चलो नमस्ते करो जल्दी। नमस्ते। ये क्या खड़े खड़े गुस्ताखी कर रहे हो, बैठ के गुस्ताखी करो ना। नहीं समझे? बैठने का मतलब है खड़े होना, खड़े होने का मतलब है बैठना, यानी कि सब कुछ उल्टा उल्टा। खड़े हो जाओ। तुम क्या पुश करते हो? मैडम मैं कुछ समझा नहीं मैडम। देखो ये बेबी टाइपिंग पुश करती है, तुम क्या पुश करते हो? पुश का मतलब है क्या करते हो? हाँ मैडम मैं कैश पुश करता हूँ मैडम। अब तक कितना पुश किया? मेरे आने के बाद पुश किया तो दमड़ी से चमड़ी उधेड़ दूंगी नाती। स्पीड क्या है? 40। ओनली 40? ऑल राइट, 40 से 80, 80 से 100 मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ए फिंगर, ये क्या हो रहा है, क्या है ये? जग्गू बॉस ये सब यूजलेस निकम्मे हैं। किसी को कुछ करना आता ही नहीं, इसलिए मैंने सब लोगों को निकाल दिया ऑन द स्पॉट। ओहो इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में आने के लिए कहा था। चल 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 चल, वहाँ मुझे ले जाओगे? चलो चल। ओके ओके, आई डोंट माइंड, प्रॉब्लम इज योर्स। पापा मैं किसी रईस आदमी से या बड़े बिजनेसमैन के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब आपको यह फैसला करना है कि मैं उस लड़की से ये घर छोड़कर शादी करूं या इस घर में रहकर करूं। सेठ जी मैंने फैसला किया है, इनको घर छोड़कर शादी करना चाहिए। वो क्या है? कमीना कुकरमुत्ता कुत्ता हरामी नैस्टी यूजलेस ब्लडी डर्टी फेलो। पर ये बताओ उस फाइल का क्या हुआ जो म्युनिसिपैलिटी में भेजी थी? अरे वो इंजीनियर बड़ा खड़ूस है, उसने आपकी फाइल रोक ली है। तो उसके पास अपना बंगाल बेच दो। ऐसा आदमी नहीं है वो। तो फिर क्या करें, तुम्हारी बीवी को बेच दे? नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया सेठ जी, अपनी बिटिया को भेज दो। कमीना कुकरमुत्ता कुत्ता हरामी नैस्टी यूजलेस ब्लडी डर्टी फेलो, क्या मैं अपनी बेटी को उसके पास भेज दूं? अगर आप नहीं भेजेंगे तो वो खुद चली जाएगी। क्या मतलब? हाँ आशा बिटिया उसी इंजीनियर से प्यार करती है।
मैं तो कहता हूँ एक बार इनकी शादी हो जाए तो पूरी म्युनिसिपैलिटी आपके जेब में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब से मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। बोला आजकल तुम जैसे आदर्श नौजवान कहाँ मिलते हैं, और वो भी म्युनिसिपैलिटी में। अच्छा हुआ बेटे तुमने उस फाइल पर दस्तखत नहीं किए। अरे मुझे पता तो चला मेरे होने वाला दामाद पीतल नहीं सोना है सोना। जी मुझे अगर पता होता आप आशा के पिताजी हैं तो मुझसे ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होती। फाइल की कोई चिंता नहीं, अब दस्तखत तो आशा बिटिया ही करवा लेगी। तुम मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद, गले लग के गर्मी बुझा दे आज। गर्मी बुझाओ, ठंडा पियो। आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला। पैसकार यार, नहीं है उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में, मैं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में। ओए तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी शुदी भी करेगा? ना मैं हूँ निकम्मा ना तू है निकम्मी, शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी। ले कर ले गल, आटे दाल दा भाव पता है तेनू, डैडी बनेगा खिलाएगा क्या? जा तेरा राशन वाला भी आ गया, तू चार बारी चक्के रख ले, बच्चियां दे कम आएगी। कम आएंगी साले, दुनिया से कम करता हूँ डाई। मेरे बच्चे को कड़े कड़े बेमत मार देगा, डर रहे, चल हट साला। या एक बात बता, तू मद्रासी मैं पंजाबी, कैसा होगी शादी? मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे, धर्मेंद्र हेमा के माफिक हम भी शादी बनाएंगे। और शादी की बात कौन करेगा? कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे, टकला माना तो ठीक नहीं तो बिन पैरे हम तेरे। जा तेरा नया रिश्तेदार आ गया, हुण वे की बेच रहा है। क्या बेच रहा रे, क्या बेच रहा रे साला, तेरे को बेचने के लिए यही आटा मिला रे साला। गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार। गन्ना हाथ में डालने वाला गन्ना कौन रे बदतमीजी, एक जमा में तो उतर जाएगा पैंट कमीज। अरे मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू? चल मैं तेरी उतारता हूँ, चल चल। तू इसको लेकर गया था मस्करी में थोड़ा वो? जो पूछ रहा उसका जवाब दे, तू इसको लेकर गया था? वो मेरे ऑटो में मस्करी में थोड़ा। चुप कर, तेरा इसका चक्कर चल रहा है? नहीं। हाँ जी। तू इसके साथ खुश रहेगी? अरे सुन तू, तू इसको खुश रखेगा? ये थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं इसको खुश रखेगा? कालिया, अब हमें वॉचमैन की जरूरत है क्या? वॉचमैन नहीं होगा तो गेट कौन खोलेगा? वो जिसने अभी अभी खोला है। आपके समधी? ये तो आपके रिश्तेदार है ना? कमीना कुकर मुत्ता, कुत्ता हरामी नास्ती यूज़लेस ब्लडी डर्टी वालों, उसे हमारा रिश्तेदार बोलता है। आपके रिश्तेदार नहीं है तो आपके है कौन? वो वॉचमैन है। अब हमें खाना बनाने वाली की भी जरूरत नहीं है। वो इसकी बीवी बनाएगी। तुम एक काम करो, पुराने वॉचमैन और उसकी बीवी का हिसाब किताब करके उन्हें छुट्टी दे दो।
आराम के पिल्ले, गटर के पाइप, कुत्ते की लाश, कैंसर के फोड़े, एड्स के कीड़े, हराम दादे तू जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। ए, तू पैदा हो गया नहीं, तू नहीं गहरे बुढ़ो, क्या नाश जाए तेरा, लानत है तुझ पे। क्या सोच रहे हो? आपके बारे में सोच रहा हूँ सेठ जी, कमाल है, पैदाइशी देने आपको।